हेलो हेलो कमजोर नारा का जवाब देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान के नारे चल मोटा कमाल, अल्लाह ताला के पीछे आ जाए, ताले के पीछे आ जाए, आगे निकल जाए, मोटरसाइकिल वाले आगे आ जाए, जो रुके हुए वो आगे आ जाए। मेरे कजमे ने नहीं बनाई, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान ये जीप को आगे आने दे। गली गली में शोर है, शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, शरीफ चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, गली गली में शोर है, शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, शरीफ चोर है, गली गली निकली है कि हम इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराया तो ये आइन के साथ गद्दारी होगी। Yeah, I got you.
भाई वो भाई आप पीछे हो जाना मुझे हेलो हेलो सब लोग नारा का जवाब देंगे इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत गली गली में शोर है गली गली में शोर है मुल्क बचाओ इलेक्शन करो मुल्क बचाओ इलेक्शन ने कॉल दिया तकरीबन दो दिन हो गए हैं उस दिन से लेकर अब तक मेरे पास तकरीबन कुछ 3,500 कारकुनान की लिस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ भावलपुर से इंशाल्लाह इतने कारकुनान निकलेंगे कि जेलों में जगह नहीं रहने इंशाल्लाह। मकसद है बेसिकली वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ के हवाले से है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज दोस्तों का जो इकट्ठे होने का जो मकसद है और बेसिकली यही है कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है आम इंसान का जीना जो है वो दोभर हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते हुए गरीब लोग सफ़ेद पोश तबका या जो भी जिस तरह वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। जब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। खुदारा अगर हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी हम आपसे मौतबाना गुजारिश करते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करें इस मुल्क की जान छोड़ें इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क का, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान पे जो टोला मुसल्लत है या जो लोग इन चीज़ों को मैनेज लोगों से मौतबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन पाकिस्तान का वाहिद हल है। पाकिस्तानी अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे जिसको चाहे मुंतखब करें जिसे ऐवानों तक पहुँचाएँ। पाकिस्तानी अवाम इस टाइम इस वक्त जो हालात है जो मौजूदा सूरत हाल है वो लोग खुदकशियों पर उतर आए हैं। आप यकीन माने इस टाइम जो सूरत हाल है बेरोज़गारी की अफरा तफरी की नफसा नफसी की लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त वाहिद हल जो है वो सिर्फ हो जाएगा महंगाई तो जो इन्होंने अब कर दी है ना वो तो अभी आप देखें आप खुद देखें ना महंगाई इमरान खान के दौर में तो इतनी नहीं थी लेकिन अब जो होगा ये महंगाई का तो अभी कुछ नहीं कह सकते लेकिन अभी हमने अपना मुल्क बचाना है। गरीब मर रहे हैं भूखे मर रहे हैं बिल इतने इतने आ रहे हैं कोई हम तो कहते हैं निकलें रोज़ निकलें ऑफिसों को ताले लगाएं ऑफिस बंद करें आए सड़कों पर निकलें इनको समझ आए कि हम क्या चाह रहे हैं। हमें इलेक्शन दें हम इलेक्शन करवाते हैं करवाएं इलेक्शन क्यों नहीं करवाते उसमें हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हम सब निकलेंगे हम तैयार हैं सब तैयार हैं। दोस्तों का बहुत ही मौतबाना शुक्रगुजार हैं हम। जैसा कि अभी मलिक साहब ने फरमाया है कि एक तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ जो महंगाई की सूरत हाल है उसका आप देख लें पीछे अवाम का समंदर देख लें जो आप सबको नज़र आ रहा है। दूसरा जो जेल भरो तहरीक है वो हमने इंशाल्लाह ताला मलिक साहब की क़यादत में हमने अपनी लिस्टें तैयार कर ली हैं और इंशाल्लाह ताला हम जेल भरो तहरीक के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। जब मलिक साहब हमें इजाज़त देंगे इंशाल्लाह ताला हम गिरफ्तारी देने के लिए पाबंद हैं।